लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने दिए जलवाए। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने दियों के साथ साथ थाली और घंटियां भी बजवाई। सवाल कई उठे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना महामारी की इस लड़ाई में जमीन पर तैनात उन लोगों के लिए मनोबल बढ़ाने का काम हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ये अपने आप में एक आत्मसम्मान की बात है जो उन सभी को मिलना चाहिए जो इस कोरोना महामारी की लड़ाई में जमीन पर खड़े हैं। ये ABT न्यूज है, यानी अपना भारत टाइम। यहाँ फर्जी खबरें नहीं, केवल सच की पहचान। आप देखते रहिए ABT न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर दबाइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा खबरें मिलती रहे। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर तो जरूर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। नमस्कार, मैं हूं अविनेंद्र और कैमरे के पीछे है सऊद अंसारी। कोरोना महामारी यानी COVID-19 का संक्रमण पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है। आप रोजाना खबरें देखते हैं कि किसी न किसी के मरने की बात जरूर आती है। जी हाँ, भारत में कोरोना महामारी को रोकना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सरकार सदैव प्रयत्नशील है और सारे काम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में बहुत सारे सामाजिक संगठन और बहुत सारे समाजसेवी भी ऐसे हैं जो सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं और असहाय और गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्हें भोजन दे रहे हैं, उन्हें खाद्य सामग्री दे रहे हैं ताकि वो भूखे ना रहें, उनके बच्चे भूखे ना रहें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार भी बहुत कड़े कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उन लोगों का जो कोरोना महामारी की लड़ाई में मैदान में डटे हुए हैं, जैसे डॉक्टर, सफाईकर्मी, मीडिया, पुलिस इत्यादि, ऐसे लोग जो कोरोना महामारी की लड़ाई में मैदान में डटे हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दिया जलाने के लिए बोला था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली बर्तन इत्यादि बजाने के लिए बोला था ताकि मनोबल बढ़ सके, और फिर 5 अप्रैल को रात 9:09 पर दिया जलाने की बात की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निवेदन को देश की जनता ने माना और कल यानी 5 अप्रैल को रात 9:09 पर दिया जलाया। आपको यह भी बता दें कि आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोला है कि वो PM केयर फंड में सहयोग करें और 40 लोगों को सहयोग करने के लिए बोले। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम सारे विषय पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे और जमात से आए उन 11 लोगों पर जो गाजीपुर में आए, और गाजीपुर में अब तक कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। हम चर्चा करेंगे उन लोगों पर भी जो समाजसेवी हैं, जो लोगों को खाद्य सामग्री और भोजन दे रहे हैं ताकि उनके बच्चे और वो भूखे ना रहें। हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के 40वां स्थापना दिवस के ऊपर भी। हम चर्चा करेंगे कोरोना महामारी को लेकर जो सरकार की तैयारियां चल रही हैं उस पर भी। लेकिन देखते हैं सबसे पहले ये बड़ी खबरें। बड़ी खबर जनपद गाजीपुर से है। जी हाँ, गाजीपुर के माने जाने पत्रकार और मेडिकल स्टोर संचालक को ट्रैफिक पुलिस के सुधीर त्रिपाठी ने रोक दिया। ये ताजा मामला है गाजीपुर के मिश्र बाजार का। जो पत्रकार और मेडिकल संचालक हैं वो आम घाट में रहते हैं। वो आम घाट से मिश्र बाजार अपने मेडिकल स्टोर पर जा रहे थे, तभी वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज सुधीर त्रिपाठी ने उन्हें रोका। उन्होंने पत्रकार ने बताया कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ है, मैं चल नहीं सकता हूं, इसलिए मेरा बेटा मोटरसाइकिल से मुझे मेडिकल स्टोर छोड़ने जा रहा है। तो सुधीर त्रिपाठी ने उनकी एक बात भी ना सुनी और उन्हें वहां से पैदल ही जाने को बोला। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है। दूसरी खबर है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। जी हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से बोला है कि वो अपने साथ साथ 40 लोगों को पीएम केयर फंड में सहयोग करने के लिए बोले। तीसरी बड़ी खबर बता दूं, वो भी जनपद गाजीपुर से है। जनपद गाजीपुर के चंद्रा कॉलोनी, जी हाँ, पीर नगर के पास चंद्रा कॉलोनी है, वहां रहने वाले लोगों ने काफी अहम कदम उठाया है। वहां पे रहने वाले लोगों ने भोजन बनाया और अपने अपने घरों से भोजन के पैकेट दिए, और ये भोजन के पैकेट उन सभी लोगों में बांटे गए जो असहाय, गरीब और भूखे हैं। जी हाँ, आगे चर्चा करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, हम आपको आपकी उनसे परिचय भी कराएंगे और चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर। सबसे पहले अपने दर्शकों को परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, समाज सेवी हैं अहमद जमाल जी, और हमारे साथ हैं यादव महासभा के अध्यक्ष और समाज सेवी ब्रज किशोर जी। आप सभी लोगों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी से। सर, आप ये बताएं कि आज भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमें जानकारी दें। भारतीय जनता पार्टी अपना 40वां स्थापना दिवस मना रही है। कोरोना महामारी की वजह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था कि वो अपने अपने घरों से ही जनता पार्टी का ध्वज लगाए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा मुखर्जी जी के कुटुंब माल्यार्पण प्रार्थना करके नमन करें। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने 5 आग्रह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा देश लॉकडाउन में है, ऐसे जो प्रधानमंत्री जी के कार्य है, आज 5 संकल्प उन्होंने दिलवाए, उनको पार्टी पहले से कर रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आग्रह पे, प्रधानमंत्री जी के आग्रह। उसमें प्रधानमंत्री के फंड को पार्टी के कार्यकर्ता अपनी इच्छा से न्यूनतम 100 रुपए, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, अंशदान कर रहे हैं इस कोरोना महामारी के लिए। अब तक गाजीपुर जनपद में कार्यकर्ताओं ने लगभग 16 लाख रुपए प्रधानमंत्री के फंड में डाला है और उनकी संख्या लगभग 800 के ऊपर है। साथ ही जो ऐसे परिवार है जो लॉकडाउन की वजह से जिनको भोजन या राशन की समस्या आ रही है, जो एक आंकड़ा हम लोगों के पास पार्टी के द्वारा किया गया है, लगभग 227 बूथों पर, 1917 बूथों पर 18,685 किट, मतलब राशन, चावल, आटा, दाल, आलू, ये सब जनपद में किए गए हैं। 10,328 लोगों को भोजन पैकेट जो कार्यालय में पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, 1,500 जितनी आवश्यकता होती है वो भोजन यहाँ से बन करके ऐसे जरूरतमंदों को प्रतिदिन पहुंचाया जा रहा है। जी सर, मैं थोड़ा चलूंगा समाज सेवी अहमद जमाल जी के पास, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान उनकी संस्थान है ह्यूमन मर्सी फाउंडेशन, तो उन्होंने क्या किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ह्यूमन मर्सी जन सेवा संस्थान का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, और हमने ह्यूमन मर्सी फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने, देखिए, कोई भी त्रासदी हुई हो, जैसे कहीं भूकंप आया हो या कहीं बाढ़ आई हो, जिले में आई हो, कहीं भी आई हो, तो हम लोग कैंप लगा करके और फोटो खिंचवा करके लोगों से चंदा लेने की कोशिश करते हैं। जब चंदा लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जो है जानकारी पहुंचे, लेकिन जो तो ये महामारी फैली हुई है, वैश्विक महामारी, इसमें हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि उन घरों तक जो बेचारे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, जो किसी के सामने मांग नहीं सकते, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग गुप्त तरीके से उन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो गरीब अगर आ जाते हैं हमारे संस्था के हेड ऑफिस में या हमारे कार्यकर्ताओं के पास या हम लोगों के जो समाज सेवी
लोग हैं उनके पास, तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि कोई भी भूखा ना रहने पाए अगर हम लोगों को पता चल जाता है तो। लेकिन ये चूंकि दुर्घटना इतनी बड़ी है, इतने लोग इससे प्रभावित हुए हैं कि सबके समग्र सहयोग से ही ये संभव है। तो इसके लिए मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपनी पार्टी के समाजवादी पार्टी के तकरीबन जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं या बहुजन समाज पार्टी के जो प्रतिनिधि लोग हैं अभी और भारतीय जनता पार्टी के भी जिन लोगों ने इसमें चंदा दिया है या जो भी क्षेत्रीय समाज सेवी लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं के जो लोग हैं या आम जनता जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, वो सभी लोग इसमें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें जात धर्म दल से हट करके इस महामारी में हम लोगों को कोई राजनीति नहीं करनी होगी, बल्कि अपने तन मन धन से कोशिश ये करना है कि सभी लोग सर्वदलीय और सर्वधर्म और सारे लोग मिलकर के इसमें एक बहुत बड़ा सहयोग करें और इसमें सरकार जो भी कर रही है उसका हमें सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ है थोड़ा लेट तो हुआ है जरूर, लेकिन समय से हो गया है, इस वजह से अभी तक हम थर्ड स्टेज पर नहीं पहुंचे। इस थर्ड स्टेज पे रोकने के लिए जनता का और प्रशासन का और सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान आपस में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और हम लोगों को सहयोग पूरी तरह से सरकार को करना है लॉकडाउन के सिलसिले में, और जनता से और प्रशासन के बीच में जो लोग मजदूर आए हुए हैं, जगह जगह रुके हुए हैं, उन लोगों को जो है खाना पहुंचाना, राहत पहुंचाना, जिन लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मजदूर है बेचारे कमजोर है, जिनका जो है 200 रुपया 300 रुपया मजदूरी करते हैं तो उनका चूल्हा जलता है, या जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी दुकानें बंद हैं जिसकी वजह से उनके घर में अगर कोई दिक्कत है, तो हम सब लोगों को इसमें बहुत बड़ा योगदान करना होगा। मैं चलना चाहूंगा ब्रिजकिशोर जी के पास कि ब्रिजकिशोर जी आपकी भी संस्थान ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं। ब्रिजकिशोर जी कनेक्ट हो रहे हैं जब तक हाँ ब्रिजकिशोर जी लाइन पे आ गए। ब्रिजकिशोर जी आप बताइए कि आप लोगों ने क्या किया इस लॉकडाउन के दौरान। जी ब्रिजकिशोर जी ब्रिजकिशोर जी आपके पास आवाज आ रही है। मैं आपको का धन्यवाद आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये बना रही ईश्वर के नाम पे और ईश्वर हाँ ये है जी जी बोलिए सर। जो चल रही है और जी जी बोलिए सर। क्या मेरी आवाज आप लोग बिल्कुल बिल्कुल चलिए जब तक कनेक्ट हो रहा है मैं चलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो समाज से जुड़े हुए जितने भी सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल हैं इस समय राजनीतिक दल में बहुत जी सर ब्रिजकिशोर जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। फिलहाल चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी। सर एक सवाल अभी आया था अहमद जमाल जी की तरफ से कि लॉकडाउन हुआ लेकिन थोड़ी देर हुई तो ये इसमें इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। भानु प्रताप जी मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि अहमद जमाल जी ने बोला कि आवाज आवाज डिस्टर्ब है आवाज जी अहमद जमाल जी ने बोला कि लॉकडाउन में थोड़ी देर हुई है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। लॉकडाउन में कोई देर नहीं हुई है, पूरे विश्व में अमेरिका इतना वो अभी लॉकडाउन नहीं किया, पाकिस्तान पड़ोसी प्रांत ने लॉकडाउन किया, सबसे पहले विश्व में पहला देश भारत है जो अभी कोरोना महामारी के बहुत कम केसेस आए थे। अपने प्रधानमंत्री जी ने कुछ
उचित कदम उठाते हुए सही समय पर देश को लॉकडाउन किया, जिसका की WHO ने भी सराहना किया। लॉकडाउन में कोई देर नहीं हुआ है। अहमद जी, भानु प्रताप जी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में कोई देर नहीं हुआ है। उसमें लॉकडाउन का पालन करवाया और जरूरतमंदों के दुकानों पर 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जितने अपने सबको निःशुल्क राशन देने का काम कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया। और सभी सभी लोग के साथ है, पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश, सारे दलों के लोग इस लॉकडाउन का सभी लोगों ने पालन किया है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद। नहीं नहीं, भानु प्रताप सिंह जी की बात का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ कि लॉकडाउन जनता ने पालन किया है और लॉकडाउन जो भी हुआ है ये एक समय की मांग थी और ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया जिसकी वजह से अभी तक हमारे यहाँ बीमारी 3rd stage पे नहीं पहुँच सकी है। ये आलोचना का समय नहीं है कि हम इसमें सरकार की आलोचना करें, हम अगर पक्ष में है तो जो बात सही है उसको सही कहना पड़ेगा। लॉकडाउन ही की वजह, लेकिन गाजीपुर में कोरोना पॉजिटिव केसेस आ गए हैं। एक मिनट, गाजीपुर नहीं आए होते तो शायद ये नहीं होता। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात पूरे पूरी हो जाने दीजिए। लॉकडाउन तो सही समय पे हुआ, लेकिन जो विदेशी लोग बाहर से इस देश में आए तो उनकी स्क्रीनिंग सही तरीके से नहीं की गई। अच्छा, अगर स्क्रीनिंग सही तरीके से की गई होती तो जो लोग बीमार थे, कोरोना से पीड़ित थे, वो भाई इंडिया में तो बाहर ही से तो आया होगा ना कोरोना। तो जो लोग जो पीड़ित लोग थे उनको अगर समय से उन पे काबू पा लिया गया होता, उनको अलग कर दिया गया होता, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया होता, तो जो जमात में 1300 विदेशी पहुंच गए और उन्होंने जमातियों को इन्फेक्टेड किया और जमाती जो थे वो पूरे हिंदुस्तान से जमात में पहुंचे थे, उन लोग वहां जब पहुंचे तो वो भी इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन जब लॉकडाउन किया गया तो उसके पहले एक बहुत बड़ी जनसभा और एक जो कार्यक्रम था जमात का वो कम्प्लीट हो चुका था। तो अब उसके बाद वहां से सारे लोग उठ करके अपने अपने गांव अपने घरों तक जब आ गए तो अब जैसे गाजीपुर में जितने लोग वहां से गए थे उसमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके महुआबाग की मस्जिद में रख दिया गया था, तो वो लोग तो चिन्हित हो गए कि ये कोरोना से पीड़ित हैं। लेकिन अगर यही चीज जो है जब कोरोना जब वो विदेशी लोग जो आए जमात में जब वहां पे शिरकत किया उसके पहले ही अगर इसकी जांच हो गई होती तो ये घटना दुर्घटना नहीं हुई होती जो आज जो है हम गाजीपुर के लिए हम लोग परेशान हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना हम लोग कितने जो है। भानु जी से दे देते हैं, भानु जी उन्होंने कहा कि अगर जांच हो गई होती तो शायद ये चीज नहीं होता। देखिए ऐसा है कि कोरोना जांच पे सभी जांचते हैं, जांच हुई है किया गया है उसमें उस समय जब वो आए होंगे, हो सकता है कि उसके कीटाणु पाए गए हों, लेकिन लक्षण जो है 4 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद कोरोना के दिखाई देते हैं वो आ गए होंगे। सभी लोग तो जमात में आए वो भारत टूरिस्ट वीजा पे आए, ये नहीं बता के आए किसी धार्मिक अनुष्ठान में या धार्मिक कार्यक्रम में जाना है। अब ये विषय अब कहाँ से चूक हुई, उस जमात के लोगों से इसकी सूचना सरकार को नहीं दिए और उसी के अंदर वो रहे, अब एक व्यक्ति कोई ऐसा आया होगा जिसकी वजह से जमात के लोग प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद भी लक्षणों को छिपाना ये सबसे बड़ा देश के लिए अहितकर हुआ। अगर उसी समय जो 2-4 लोग
इसके लक्षण दिखाई दिए उस जमात में, उनको तत्काल सरकार को सूचित करना चाहिए ताकि ये कोरोना के लक्षण इन व्यक्तियों में है तो सरकार वहाँ पे कार्रवाई करती। ये तो बहुत लेट पता चला कि नहीं जमात में इतने लोग शामिल हुए और यहाँ आ गए, लेकिन फिर भी सरकार तत्पर रही और सभी लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा माननीय जिला अध्यक्ष जी से कि जैसा अभी आपने कहा कि जमात में वो लोग आए, उन लोगों ने सही समय पर सूचना नहीं दी या वो लोग पुरुष पीछा पर चल के आए, तो जब दूसरे देशों से हमारे देश में लोग आए तो वो टूरिस्ट वीजा पे आए या किसी बिजनेस ट्रिप पे आए या क्योंकि स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी वही एयरपोर्ट पे, ना कि आज आप कहेंगे कि वो टूरिस्ट वीजा पे है, ये कोई आपका असंतोषजनक जवाब नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ सरकार की, ये समय आलोचना करने का नहीं है, लेकिन आप जो है जवाब नहीं से भाग नहीं सकते हैं। आप इस तरह की बातें करेंगे और कहेंगे कि वो टूरिस्ट वीजा पे है, मान लिया टूरिस्ट वीजा पे है, आए तो एयरपोर्ट पे यही हिंदुस्तान के किसी एयरपोर्ट पे उतरे होंगे, वहाँ उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और वहीं उनको टेस्ट करना चाहिए था और वहीं अगर वो पॉजिटिव मिले होते तो उनका आप इलाज करते या उनको बैक टू पवेलियन वापस देते। आप ये कहेंगे कि वो टूरिस्ट वीजा पे है, फिर वो जमात में चले गए, फिर वो जो है कि वहाँ 13-14 दिन उन लोगों ने कार्यक्रम किया, वो दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है सरकार की नाक के नीचे और आप उस चीज को छुपा रहे हैं, छुपाने से कुछ फिर अब इसका हल नहीं निकाला जा सकता है। आज जो गलतियां हुई है उसके सुधारा जाएगा, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं, अभी मौजूदा समय में जो प्रयास हो रहा है सरकार के द्वारा वो नाकाफी है, इसमें थोड़ा सा तेजी लाने की आवश्यकता है। जी आरोप है सर, जवाब दीजिए। मैं पहले ही आपसे आग्रह किया कि इसके लक्षण बाद में दिखाई देते हैं, एयरपोर्ट से जो भी लोग बाहर आते हैं बिना स्क्रीनिंग के नहीं आते हैं, इसमें स्पष्ट इसको कोई दोहरा नहीं है, बिना स्क्रीनिंग के कोई देश में प्रवेश नहीं करता है। पहले उनका सवाल था कि सरकार के नाक के नीचे इतने लोग वहाँ पे थे और सरकार को पता नहीं चला, उसकी जाँच चल रही है, हम यहाँ गाजीपुर में बैठे सरकार के नीतियों को सरकार नहीं बता सकते। तो हमारे जो गाजीपुर में 11 लोग पाए गए उनको आप क्या मानते हैं, वो छिपे हुए थे? विषय को रखेंगे बताएंगे, लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है आपको भी जानकारी है सभी लोगों को जानकारी है, वो तथ्य कोई छिपाया नहीं गया है, इसमें सरकार का विषय है, ये विषय सरकार रखेंगे। हम गाजीपुर में कोरोना का आना आने के पीछे आप जमात को जिम्मेदार मानते हैं या नहीं? गाजीपुर के विषय को राष्ट्रीय नेतृत्व सभी पार्टियों के राष्ट्रीय नेता जिसके चिंतित था उस विषय को विचार कर लेंगे। जी जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो गाजीपुर में 11 लोग आए उसमें से 5 लोग पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं पाए गए हैं, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी गाजीपुर में 5 पॉजिटिव मरीज जो हुए हैं कोरोना के, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार आप जिन्होंने तथ्य को एक बात ही तो आप वहाँ बिना बताए ऐसे कि मतलब मरीजों को बाहर विभिन्न शहरों में भेजा गया, अब ये जानकारी में नहीं था, लोग आ गए बाद में जानकारी हुई तभी ना चिन्हित हुए कि यहाँ इन शहरों में गए हैं, जब वहाँ से चिन्हित हुआ इन शहरों में लोग गए हैं तो वहाँ से जब लिस्ट आई उसके हिसाब से इनको ट्रेस किया गया कि कहाँ है, उसमें ये सरकार अपना जैसे भी हो जी सर से जानकारी हुई तो ब्रिजकिशोर जी भानु जी बोल रहे थे सरकार काफी व्यवस्थाएं कर रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की तरफ से भी कुछ किया गया है उसके बारे में कुछ बताएं। जी ब्रिजकिशोर जी से मेरा सवाल है, हम लोग सरकारी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हम कुछ प्राइवेट डॉक्टरों से अनुरोध करके एक हम लोग बना रहे हैं डॉक्टरों का, जो प्राइवेट डॉक्टर है जिसमें नेत्र के अनुष्का से मौर्या जी हैं, दुल्लापुर के हॉस्पिटल के आर्य हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, राजेश पांडे जी हैं, सिद्ध हॉस्पिटल के
अनुपमा सिंह है, राजेश जी है, नीति सिंह है, इन लोगों का एक ग्रुप बना करके जनपद में टेलीमेडिसिन, अगर छोटी मोटी समस्या किसी को आती है लॉकडाउन के दौरान, तो वो टेलीफोन के माध्यम से डॉक्टरों से संपर्क करके अपना कोई मेडिसिन मेडिकल स्टोर से लेकर के प्राथमिक अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ ले सकते हैं। बाकी उनके सुझाव से आगे जो उनको करना है डॉक्टर के सुझाव से वो कर सकते हैं। बाकी प्रशासन व्यवस्था इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, अगर कठिनाई आएगी अच्छी से लोग सभी समाज सेवी संगठनों के लोग अच्छी तरह से लगे हुए इस काम को कर भी रहा है। इन सभी स्वयंसेवी संगठनों को, सामाजिक संगठनों को भी हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका आभार और धन्यवाद भी करते हैं। धन्यवाद। नहीं नहीं बिल्कुल आपने सही कहा माननीय अध्यक्ष जी, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। और आप जो कह रहे हैं कि सारे सामाजिक संगठन और इन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन लेकिन ये सामाजिक संगठन जो भी है, जैसे हम व्यापार मंडल से है या फिर अहमर भाई हमारे ह्यूमन मर्सी सेवा संस्थान से है, हम लोगों का एक क्राइटेरिया है, एक दायरा है, उसके बाहर जाकर के किसी बहुत चीजों को हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसमें सरकार का पूरा पूरा सहयोग चाहिए और सरकार को अपने कार्यों में बहुत तेजी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी अभी हमारे वहाँ तीसरे स्टेज में पहुंची नहीं है। जिस दिन तीसरे स्टेज में पहुंच जाएगी फिर हम और आप बात करने के पोजीशन में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फिर लाशों का अंबार लगेगा और लाशों की गिनती चालू हो। तो आज आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक संगठन जितने भी हैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जा रहा है और वो लोग नहीं, बिल्कुल सामाजिक संगठन सारे जो है इस समय रोड पर हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन भानु जी प्रधानमंत्री ने बहुत अहम कदम उठाया है। भानु जी लाइन से कट गए जी। अहमद जी पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं भानु प्रताप सिंह जी चले गए, उनकी बात ये मुझे पसंद आई। प्रताप सिंह जी चले गए और अच्छी बात उन्होंने किया कि सामाजिक संगठनों के ऊपर दायित्व दिया और उसके बाद चल दिए, अच्छी बात है। उनकी उनकी बातें हमें पसंद आई, कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं किया जिससे कि कहीं कोई लेकिन मैं उनसे उनके माध्यम से जब वो इस न्यूज को देखेंगे, मैं उनके माध्यम से ये सुनिश्चित करवाना चाहता हूँ कि इस पूरी महामारी के दो पहलू हैं। एक पहलू है मेडिकल और पुलिसिंग। मेडिकल और पुलिस, मेडिकल में जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जो पैरा मेडिकल स्टाफ लगे हुए हैं, जो नर्स लगी हुई हैं, जो वार्ड बॉय लगे हुए हैं, हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं, वो बड़े हों या छोटे हों, अगर उनके पास सुरक्षा उपकरण यानी जो किट आती है, मास्क नहीं होगा, हाथों में पहनने के लिए ग्लव्स नहीं होगा, तो वो संक्रमित हो जाएंगे। अगर संक्रमित हो जाएंगे तो आने वाले समय में ये जो पूरी महामारी है उन ये पूरी लड़ाई डॉक्टर्स को ही लड़नी है। तो इसके लिए मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ, ये मांग करना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को सारी किट मुहैया कराई जाए, क्योंकि एक डॉक्टर मिस्टर प्रदीप प्रगति कुमार जी हैं, वो उन्होंने कहीं गए थे जांच करने कोरोना का पेशेंट की, जब उन्होंने जांच किया तो पता ये चलता है कि उनके उन्होंने न दस्ताना पहना हुआ है और न उनके पास जो है मास्क था, तो उन्होंने वो बेचारे क्वारंटाइन में चले गए, उनकी मजबूरी है। तो अगर ऐसे ही डॉक्टर्स डर के अगर अपने कार्य अपने को सेव करने के लिए क्वारंटाइन में जाने लगेंगे, तो फिर ये जो हमारी लड़ाई है कोरोना को हराने की जो लड़ाई है, वो मेन डॉक्टर्स ही लड़ रहे हैं, उनको उनको जो है सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। और मैं डॉक्टर और पुलिस दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ये दोनों लोग बहुत मजबूत तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन को और प्रशासन को करनी चाहिए। दूसरा पहलू
जो है वो ये है कि इस महामारी से, इस महामारी से जो लोग बेरोजगार हो गए, जिनके घर चूल्हा नहीं जल रहा है, जिनके घर खाना नहीं बन रहा है, या जो बेचारे मुसाफिर हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, ऑयल गेस्ट हाउस में कर दिया गया है, सहजानंद में कर दिया गया है, बहुत सारी जगहों पे लोगों को रखा गया है, कैंप बना बना के, कहीं 200 लोग हैं, कहीं 400 हैं, कहीं 80 हैं। इन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था देने में जो सबसे आगे आए हैं वो समाज सेवी लोग हैं, जैसे व्यापार मंडल के जो हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए हैं, ये इनके ये हैं, ह्यूमन मर्सी के लोग हैं, रोटरी क्लब के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम किसका किसका लिया जाए, बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि भी हैं जो खाना बनवा बनवा करके सप्लाई दे रहे हैं। तो ये दूसरा पहलू है। तो इन दोनों पहलुओं को पे शासन को फोकस करना चाहिए और दोनों लोगों के लिए उनके मन में धन्यवाद का वो होना चाहिए कि क्योंकि सारी लड़ाई को जो लड़ी जा रही है वो डॉक्टर, पुलिस और आम जनता मदद करके एक वो लेके चल रही है। अब जो बाकी चीजें हैं वो मैं धन्यवाद आपको दिया भाई, भानु प्रताप सिंह जी ने धन्यवाद दिया और उसके लिए उन्होंने कहा कि आप लोगों को और भी बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। तो भानु प्रताप सिंह जी ने तो आपको पहले ही धन्यवाद दे दिया है, अब उसमें उनसे वो ये कहते हैं अपेक्षा आप लोग उनके धन्यवाद को हमने स्वीकार किया है और इनसे रिक्वेस्ट किया है के डॉक्टर्स को सुरक्षा किट और पुलिस वालों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराया जाए और जो समाज सेवी घर घर बांट रहे हैं सामान को और लोगों तक पहुंच रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अगर हो सके तो उनको भी सुरक्षा किट दिया जाए और उनको भी कर्फ्यू पास दिया जाए ताकि वो निकल के निर्बाध तरीके से आपूर्ति अपनी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं एक मिनट लेना चाहूंगा, जैसा कि अमर भाई कह रहे हैं कि जो हमारी जो पावर है, जो शक्ति है, जिससे बदौलत हम इस महामारी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस अपनी पावर को, उस अपने वॉरियर्स को, जो हमारे योद्धा है, इस लड़ाई के जो योद्धा है उनको हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। जैसे अभी मैंने आज देखा कि लगभग हमारे वहां 100 समथिंग कुछ डॉक्टर जो है वो इससे प्रभावित हो चुके हैं और 3,000 या 3,200 के आसपास है, तो 3,000-3,200 मरीज चिन्हित हुए हैं जिसमें से 100 समथिंग डॉक्टर जो है वो प्रभावित हो चुके हैं, जिनको या तो क्वारंटाइन किया गया या तो उनको जो है कि आइसोलेट किया गया है। तो इसी स्पीड से अगर डॉक्टर और नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है इससे प्रभावित होते रहेंगे तो पता चलेगा कि डॉक्टर ही मरीज हो गए और मरीज जो है वो रोड पे टहल रहा है। तो इस पर सरकार को बहुत ज्यादा की आवश्यकता और उनको पीपीई किट जो है उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद।